मंडी जिले के बल्क क्षेत्र की डिडोर सब्जी मंडी में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नकाबपोशों ने सब्जी मंडी में घुसकर हिमाचल फ्रूट कंपनी के कार्यालय का लॉकर तोड़कर करीब 5,60,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। हिमाचल फ्रूट कंपनी के फल विक्रेता ने जानकारी दी है कि कार्यालय का लॉकर तोड़कर चोरों ने करीब 5,60,000 की नकदी पर हाथ साफ किया है। वहीं कंपनी के कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे से खुलासा हुआ है कि रात को करीब 1:30 बजे नकाबपोश ने चोरी की वारदात को बड़े सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार इससे पहले भी नेर चौक में चोरी की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिससे कारोबारियों में दुकानों की सुरक्षा को लेकर भय का माहौल है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी शाम को हम 10 बजे घर चले गए थे, नहीं यहाँ पे हमारे पल्लेदार वगैरह थे। रात को चोर जो है इस साइड से आके हमारी अलमारी से जो है वो 5,60,000-65,000 के करीब करीब पैसे लेके चले गए। तो यहाँ पर कौन कौन था? तो यहाँ पे हमारे पल्लेदार ही होते हैं, रात को हम नींद भी घर चले जाते हैं, नहीं बस पल्लेदार ही थे। एक यहाँ इस बेड पे सोया हुआ था और एक पिछले साइड पे एक ड्राइवर सोया हुआ था व्यापारी का, बस उसने फिर गल्ला तोड़ा और करीब 10 बजे के करीब अम्बा घर चले गए। और जैसे रोज की भांति यहाँ गल्ला वगैरह बंद करके हमने अलमारी बंद कर ली और उसके बाद हम घर चले गए। यहाँ पे सारे पल्लेदार थे क्योंकि कल काम कम था, बारिश थी और संडे इसकी वजह से भी थोड़ा कोरोना की वजह से कम है काम। तो यहाँ पे पल्लेदार सोए 9-12 बजे सोए रात को और कोई हमने फुटेज देखे इसके सीसीटीवी के कोई 1:00 बजे कोई 35-36 मिनट पे इसने वारदात को अंजाम दिया हुआ है। और पहले भी यहाँ पे गाड़ियों गुड़ियों में बहुत चोरी हुई है, यहाँ आगे पीछे भी बहुत बार हुई है, एक बार नहीं हुई। यहाँ गाड़ी वाला बाहर हमारा था कांगड़ा का एक व्यापारी, उसने पकड़ाया उसको और पुलिस के पास उसकी रिपोर्ट भी कराई तो फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ एक बार 40,000 रुपये निकल ले गए थे पार साइड से इनकी सब्जी मंडी वालों, 90,000 वहाँ से ले गए, इनके टायर ले गए पार AFC वालों के, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक यहाँ तो जो है सब ऐसा ही माहौल बना हुआ है।